हेलो क्लास थर्ड, सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए अध्याय 9 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्रिया। और आज आपका नया अध्याय है अध्याय नंबर 10। ओके, चैप्टर आपका 10, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, तो विराम का मतलब होता है आराम देना, ठीक है। चिन्ह निशान, ठीक है ना, जो आराम के निशान होते हैं, ठीक है ना। विराम होते हैं आराम और चिन्ह होते हैं निशान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, देखिए और समझिए, ठीक है। कुछ वाक्य दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि विराम क्या होता है और चिन्ह क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रशांत क्या लिखता है, प्रशांत क्या लिखता है, प्रशांत कविता लिखता है, ठीक है। प्रशांत कौन सी कविता लिखता है, प्रशांत हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी की कविता लिखता है, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में, यहाँ पे देखिए उपयुक्त वाक्यों में जो ऊपर के वाक्य हैं को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में कोई ना कोई चिन्ह दिया गया है, दिया गया ना, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ पे देखो कोमा आपका आ गया, ठीक है। तो प्रत्येक चिन्ह, कोई ना कोई चिन्ह दिया गया है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने व व्यवस्थित बनाने में सहायक है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चिन्ह बनाए हैं, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ पे विराम शब्द का अर्थ है, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, आराम करना। लिखते समय हमें कहीं ना कहीं अवश्य रुकना पड़ता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लिखते समय रुकते हैं। इस रुकावट को व्याकरण में विराम कहते हैं, जहाँ पर हम रुकते हैं उसे विराम कहते हैं, व्याकरण की भाषा में उसे विराम कहते हैं। तो विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, जो विराम को प्रकट करते हैं कि कौन सा विराम हम दे रहे हैं, ठीक है ना, कौन सी हम रुकावट कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं या हम प्रश्न को पूरा कर रहे हैं, उत्तर जो है उत्तर को पूरा कर दिया है, तो उन चिन्हों को बताते हैं, ठीक है। तो विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, समझ गए। विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले होता है कुछ प्रमुख विराम चिन्ह, ठीक है। पहला हो गया पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरी तरह से विराम, ठीक है। जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देखो को यहाँ पे लिखा है, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना। वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया है, तो पूर्ण विराम, वाक्य क्या हो गया, पूरा हो चुका है, ठीक है ना। जैसे आपने बोला मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो उसमें कोई दोहराए नहीं कि नहीं खाया, आपने खा लिया है, ठीक है। तो आपका वाक्य क्या हो गया है, पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, हम दोनों मित्र हैं, यहाँ पे चित्र में हम दोनों मित्र हैं, हम साथ साथ पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल जाते हैं, ये साथ साथ जाते हैं। तो पूर्ण विराम, यहाँ पे देखो पूरी तरह से इन्होंने अपना वाक्य क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं और हम साथ साथ पढ़ने जाते हैं। तो ये हो गया पूर्ण विराम, जहाँ पे सब जो सेंटेंस पूरा हो जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये देखिए, ये पूर्ण विराम ये है, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम लगा है। अब है अल्पविराम। अल्पविराम लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या किया, आपने बोला कि मोहन सोहन, ठीक है, मोहन सोहन और राम मित्र हैं, ठीक है। तो मोहन पे आपने कॉमा लगाया, सोहन पे भी मोहन और सोहन के बीच में कॉमा लगाया, और राम क्या है, मित्र है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बताया है, विनोद कॉमा नम्रता,
ठीक है ना। आगे वो बता रहा है ना किसी का नाम, और सुधांशु विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, कॉमा लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा रुका क्योंकि दूसरे का नाम बता रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रुकने के लिए कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। ख, वह, तुम और मैं खेलने जाएंगे, ठीक है। जैसे उसने क्या बोला ऊपर, विनोद नम्रता, तो वह और तुम और मैं खेलने जाएंगे, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वह, तुम और मैं खेलने जाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए अल्पविराम का प्रयोग आया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका तो आपको पता होगा। तुम कहाँ रहते हो, देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ रहते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का ये चिन्ह यहाँ पे बना है, निशान यहाँ पे बना है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए, आओ दोहराएं, आओ दोहराएं। वाक्य के अंत में लगने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग साधारण वाक्य या कथन के अंत में किया जाता है, जब हम कुछ बात बोलते हैं, ठीक है, या साधारण वाक्यों में उसका प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यह आज आपका हो गया विराम चिन्ह, अध्याय 10 ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसके प्रश्नोत्तर देखिए यहाँ पे, अल्प विराम किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। अल्प विराम किसे कहते हैं, ये आपका बुक में ही है। प्रश्न पूछने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है अर्थ, अल्प विराम किसे, अल्प विराम का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो अल्प विराम आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये है अल्प। लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखते समय जहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ पे जो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है प्रश्न पूछने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे अल्प विराम का भी, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अल्प विराम का प्रयोग लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आज आपको यहीं से बुक से आपको करने हैं, तो ये दो प्रश्न करिएगा और पाठ को एक बार ज़रूर पढ़िएगा।